नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की नई दवा 2DG की पहली खेप के तहत 10,000 डोज को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। 3 ट्रायल के बाद 1 मई 2021 को DGGI की ओर से इसे आपातकाल उपयोग की अनुमति मिल गई। पाउडर के रूप में इस ड्रग को एक रिलीज के मौके पर रक्षा मंत्री ने ड्रग को उम्मीद की किरण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी हमें निश्चित होने की जरूरत नहीं है और न ही थकने की और न थमने की जरूरत है, क्योंकि ये वेब दूसरी बार आई है और आगे भी इस बारे में कुछ निश्चित नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें पूरी सतर्कता के साथ कदम आगे बढ़ाने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई, दवा, ICU बेड और क्रायोजेनिक टैंकरों की व्यवस्था को हमने काफी गंभीरता से लिया है। इसके लिए सामूहिक प्रयास किया गया। भारत जिस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, ऐसे मुश्किल वक्त में केंद्र सरकार की ओर से गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति के प्रमुख डॉक्टर शाहिद जमील ने इस्तीफा दे दिया। पद छोड़ने से एक हफ्ते पहले ही डॉक्टर जमील ने न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत में जारी कोरोना की दूसरी लहर पर एक लेख लिखा था। उन्होंने उस लेख में कई मुद्दों पर बात की थी, जिसमें कहा था कि कोरोना को लेकर उनके साथी वैज्ञानिकों द्वारा जो सवाल खड़े किए गए, उनमें उन्हें साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा। डॉक्टर जमील ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि संकट के वक्त में जो भी नीति बननी चाहिए वो तथ्यों को साथ लेकर बननी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं किया जाना चाहिए। कोरोना के खिलाफ जंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महानगरों के दौरे पर हैं। सीएम सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन पहुंचे थे। इसके बाद वे कोविड सेंटर्स के लिए रवाना हुए। इस दौरान भारी पुलिस बल पहले से ही तैनात रहा। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले ही एडीजी राजीव सब्बरवाल पुलिस लाइन में मौजूद रहे, साथ ही कुछ स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड सेंटर्स का निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिया गया, साथ ही अभी तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। बांदा दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान नंद गोपाल नंदी ने वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया। मेडिकल कॉलेज स्टाफ समेत जिले के अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ में बेवजह बाहर निकलने वालों पर पुलिस जबरदस्त सख्ती करती हुई नजर आ रही। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पुलिस सड़कों पर अभियान चला रही है। मैनपुरी में DCM और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ट्रैक्टर सवार एक शख्स की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने मैनपुरी सैफई मार्ग पर लंबा जाम लगा दिया। बुलंदशहर में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। खुर्जा और थाना पहासू इलाके में लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। लखनऊ में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में इजाफा, जिसके बाद राजधानी में मरीजों की संख्या 24 हो गई। SGPGI से 12 डॉक्टर्स को निगरानी समिति में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल में TMC की सरकार बनते ही नारदा घोटाले की जांच फिर से शुरू हो गई है। इस घोटाले के आरोपी कैबिनेट मंत्री फरहाद हकीम, कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी, TMC विधायक मदन मित्रा और पूर्व बीजेपी नेता सोवन चटर्जी के घर पर CBI ने छापेमारी की। इसके बाद इन चारों को CBI दफ्तर लाया गया। TMC नेताओं को CBI दफ्तर लाने के बाद उनके समर्थन में प्रदर्शन होने लगा। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी CBI दफ्तर पहुंच गई। इस बीच CBI के अफसर ममता के मंत्रियों और विधायकों से पूछताछ कर रहे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने CBI के अफसरों से कहा कि अगर आप इन चारों नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं तो मुझे भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। राज्य सरकार या कोर्ट के नोटिस के बिना इन चारों नेताओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर फिर भी गिरफ्तार करते हैं तो मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों पर चक्रवाती तूफान तौकते का साया मंडरा रहा। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद तूफान तौकते का असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। चक्रवाती तूफान के अलर्ट के बीच BMC ने मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। चक्रवाती तूफान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। अलग अलग राज्यों में अब तक तूफान से प्रभावित इलाकों में 8 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि कई 100 पेड़ गिर चुके, साथ ही घरों को भी नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र में भी घर मकानों को क्षति पहुंची। तूफान की आहट के साथ गुजरात के तटीय इलाकों में आज और कल भारी बारिश की आशंका। आपदा से निपटने के लिए NDRF की 50 टीमें तैनात कर दी गई। दिल्ली में वैक्सीन की कमी के बीच केजरीवाल सरकार खरीदेगी रूसी वैक्सीन। स्पुतनिक भारत में वैक्सीन निर्माण करने वाली कंपनी डॉक्टर
रेड्डी से केजरीवाल ने किया संपर्क, डॉक्टर रेड्डी से 67 लाख डोज की सप्लाई करने की मांग की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। गोवा के तटीय क्षेत्र से टकराया चक्रवाती तूफान तख्ते, गोवा में भारी बारिश के साथ तेज हवा चल रही है। तेज आंधी की वजह से कई जगह पर पेड़ गिर पड़े, कई घरों को नुकसान पहुंचा। इस महीने 9वीं बार सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। रविवार को दिल्ली में पेट्रोल 92.58 और डीजल की कीमत 83.22 रुपए प्रति लीटर रही। लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान भी सड़कों पर हजारों लोग नजर आए। नवीन मंडी में हजारों की तादाद में लोग एक साथ उमड़ पड़े। सरकार की लाख अपील के बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं। भदोही में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पक्ष के ट्रैक्टर में आग लगा दी। दरअसल ट्रैक्टर से बाइक में टक्कर लग गई थी, इसी के चलते दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। गोंडा में 18 प्लस के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। 5 राज्यों के टीकाकरण सेंटर्स पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई, तो वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी सेंटर्स का दौरा किया। अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज थाना इलाके में कोरोना महामारी से बचने के लिए अब अंधविश्वास का सहारा लिया जा रहा। गांव गांव कोरोना से बचने के लिए पूजा पाठ शुरू हो गया। बिना मास्क एक दूसरे से सटकर गांव में पूजा हो रही। कोरोना भगाने के लिए कहीं देवी देवताओं को महिलाएं अर्घ दे रही, तो वहीं कई जगह पर नृत्य के जरिए देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा। बड़ी संख्या में गांव के लोग कोरोना को भगाने के लिए पूजा में शामिल हो रहे हैं। सहारनपुर के रेलवे ट्रैक से मालगाड़ी की 3 बोगियां उतरने से बड़ा हादसा होते होते बच गया। खबरों की माने तो मालगाड़ी सरकारी गेहूं लेकर अंबाला से कटियार जा रही थी। प्रदेश में इस समय लगे लॉकडाउन की वजह से जहां लोगों का कामकाज और व्यापार पूरी तरह से बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ जुआरियों को लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो हर दिन की तरह जुआ खेलने में मस्त है। जुए की सूचना पर कानपुर की क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान जुआरियों के पास से पुलिस ने 4,21,000 रुपए बरामद किए। उन्नाव के बिहार थाना इलाके में पुरानी रंजिश में गांव के ही लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया। आरोपियों ने युवक को इतना मारा कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते घायल ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि हमलावर उसे अपनी गाड़ी से थाने ले गए और मौके से फरार हो गए। सीओ ने बताया कि परिजनों ने अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर दी है। हत्या के मामले में सीओ ने बताया कि पुलिस ने 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस घटना में हर एंगल से जांच की जा रही है। फिरोजाबाद के मरसेना थाना इलाके में 2 पक्षों में विवाद के दौरान फायरिंग हो गई। फायरिंग में महिला समेत 4 लोग गंभीर घायल। स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में 4ों को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान जहां महिला की मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग घायल जिनका इलाज चल रहा। पुलिस ने केस दर्ज कर घटनास्थल का मुआयना किया। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही पुलिस। बिजनौर में दोस्त ने लाठी डंडों से पीट पीट कर दोस्त को उतारा मौत की घाट। खबरों की माने तो मामूली कासुनी के कारण विवाद ज्यादा बढ़ गया, इसी कारण उसकी हत्या कर डाली गई। उन्नाव के मोरावा थाना इलाके में हार से झल्लाए पूर्व प्रधान ने अपने साथियों के साथ नवनिर्वाचित प्रधान पर फायरिंग कर दी। पूर्व प्रधान ने कार सवार प्रधान पर कई राउंड फायर किए। फायरिंग में प्रधान समेत 2 लोग गंभीर घायल। फायरिंग में घायल हुए लोगों को आनंद फानंद में लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां प्रधान की हालत गंभीर बनी हुई है। इस गोलीकांड के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात। बिजनौर के मुर्शदपुर गांव में जंगली सुअरों को पकड़ने के लिए खेत में लगाए गए जाल में पानी की तलाश में भटका एक गुलदार जाल में फंस गया। गुलदार के जाल में फंसने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। इस दौरान कुछ उत्साही युवकों ने जाल में फंसे गुलदार का वीडियो बना लिया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने देर रात गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया, अपने साथ ले गए। बिजनौर में गंगा में नहाने गए 3 दोस्त डूब गए। गोताखोरों की टीम ने एक का शव बरामद कर दिया है, बाकियों की तलाश जारी। पूरा मामला चांदपुर थाना इलाके का है। प्रयागराज में एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 4 उप निरीक्षक और 1 निरीक्षक का तबादला कर दिया, जिसमें राकेश चौरसिया को प्रभारी सराय इनायत जबकि राजेश उपाध्याय को थानाध्यक्ष गुरुपुर बनाया गया है, जबकि संतोष कुमार सिंह को क्राइम ब्रांच भेजा गया है। कानपुर में सपा एमएलए इरफान सोलंकी का चालान काटने को लेकर समर्थकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पोस्ट के जरिए समर्थकों ने आरोप लगाया कि दरोगा ने विधायक के साथ अभद्रता की और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होने पर समर्थकों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। 24 घंटे में 2,81,123 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि 3,44,570 ठीक हुए, 4,092 मरीजों की मौत हो गई। सीएम योगी के मोर्चा संभालने के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम हो गई। 24 घंटे में 9,391 नए कोरोना के मामले सामने आए। कोरोना वायरस से रिकवरी दर 90% हो गई। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही। 24 घंटे में 34,389 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 974 मरीजों की जान चली गई। इतने समय में 54,535 मरीज ठीक भी हुए। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड 19 से संक्रमित 22,517 नए मरीज मिले हैं। इस अवधि में 18,638 मरीज कोविड 19 से उभरे, जबकि 98 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 7,571 नए मरीज मिले। 24 पिछले कुछ दिनों से अब रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और दुर्ग में मिलने वाले नए मरीजों के आंकड़े में गिरावट आई है। पंजाब में 24 घंटे में 217 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया, जबकि 429 की हालत गंभीर, 6,867 संक्रमण के नए मामले सामने आए। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 31,297 मामले सामने आए, 403 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 34,057 लोग स्वस्थ हुए। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण की 10,990 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना से इस दौरान 156 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में 2,09,110 मामले उपचाराधीन हैं। गुजरात में कोरोना वायरस के 8,210 नए मामले सामने आए, 82 मौतें हुई, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 7,14,611 हो गए। मृतकों की संख्या 8,731। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण से 48 और लोगों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण के 2,321 नए मामले सामने आए। प्रदेश में महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,085 हो गई। पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 19,511 नए मामले दर्ज किए गए। 144 लोगों की इस महामारी की वजह से मौत के मुंह में समा गए। राज्य में महामारी के अब तक सामने आए कुल मामलों की संख्या 10,53,117 हो गई। तमिलनाडु में कोविड 19 के अब तक के सर्वाधिक 33,181 मामले सामने आए, 311 और लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में संक्रमण के नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 14,68,864 हो गई। मृतकों की संख्या 16,471 हो गई। केरल में कोविड 19 के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 29,704 नए मामले दर्ज किए गए। कर्नाटक में एक दिन बाद फिर मरने वालों का आंकड़ा 500 को पार कर गया है। यहां पर 31,998 नए संक्रमित मिले, 516 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,106 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 7,202 पहुंच गई। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,000 नए मामले सामने आए, 262 से अधिक रोगियों की मौत हो गई। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 24 घंटे के दौरान 89 और व्यक्तियों की मौत हो जाने से मरने वालों का आंकड़ा 3,503 तक पहुंच गया है। 6,894 नए मामले सामने आने से इस रोग से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 6,22,433 हो गई है। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद आज सुबह 5 बजे खोल दिए गए। कपाट खुलने के मौके पर यहां तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों की कमी साफ देखी गई। कोरोना संकट के चलते यह दूसरा मौका है जब कपाट खुलने पर बाबा के दरबार में भक्तों की एंट्री पर रोक लगी थी। केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाने के वक्त केदारनाथ, रावल, भीमा शंकर लिंग, मुख्य पुजारी बागेश लिंग, जिलाधिकारी मनोज गोयल, 21 तीर्थ पुरोहित, देवस्थानम बोर्ड के 14 कर्मचारी, सीओ गुप्ता काशी अनिल मनराज, चौकी इंचार्ज मंचुल रावत, 6 कांस्टेबल, 2 महिला कांस्टेबल, 4 मंदिर सुरक्षा गार्ड के कर्मी मौजूद रहे। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 25 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद सरकार ने सभी से इसका ठीक से पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू 7 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री भी इस पक्ष में हैं, कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया जाना चाहिए। ऋषिकेश के गौरी रेंज में वन विभाग की टीम को गश्त के दौरान हाथी का शव बुरी हालत में पड़ा हुआ मिला। गश्ती दल ने इसकी सूचना वन विभाग के आला अधिकारियों को दी। जहां पर मृतक हाथी का शव बरामद हुआ वहां पर काफी संघर्ष के निशान हैं। वन विभाग के चिकित्सकों ने मौके पर ही हाथी का पोस्टमार्टम किया, जंगल में हाथी के शव को जला दिया। गश्ती दल को ऋषिकेश नीलकंठ पैदल मार्ग पर स्थित टाट वाले बाबा की गुफा में गुलदार की मृत होने की सूचना मिली, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और गुलदार के शव को गुफा से बाहर निकाला।
कोरोना महामारी का देश के होटल इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने खुलासा किया है कि वित्त वर्ष 2021 में भारतीय होटल इंडस्ट्री को 1,30,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। ऋषिकेश के एम्स में कोरोना के 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। अब तक देश के 10 राज्यों में मिल चुके हैं ब्लैक फंगस के पीड़ित। कोविड अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत आम आदमी का इलाज किए जाने के लिए राज्य सरकार के आदेश का पालन कराने के संबंध में एसडीएम ने नगर निगम में क्षेत्र के सभी 8 कोविड अस्पतालों के संचालकों और डॉक्टर्स की बैठक की। बैठक में सभी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही कहा गया कि कोविड अस्पताल में किसी भी तरह की शिकायतें मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुंभ मेला क्षेत्र में कुंभ 2021 के दौरान हुए अतिक्रमण पर जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई थी। इस दौरान जिला प्रशासन की टीम को संतों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। धरना प्रदर्शन के दौरान निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास ने कहा कि प्रशासन की ओर से जिस तरह से बैराकी संतों के निर्माण पर कार्रवाई की गई, मैं उसकी निंदा करता हूं। उत्तराखंड सरकार मोटर व्हीकल टैक्स में छूट देने की तैयारी कर रही। पहले चरण में 3 महीने का टैक्स माफ किया जा सकता है। 2020 में कोरोना की पहली लहर के दौरान सरकार ने 6 महीने का मोटर व्हीकल टैक्स माफ कर दिया था। छोटे बड़े कमर्शियल यात्री वाहनों को सालाना 48,000 रुपए टैक्स चुकाना पड़ता है। राज्य में 1,20,000 से ज्यादा यात्री मालवाहक वाहन है। इजराइल और हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी है। गाजा से अब तक इजराइल पर करीब 3,000 रॉकेट से वार किए गए हैं। जवाबी कार्रवाई में इजराइल की एयरफोर्स ने हमास पर हमला कर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। अब तक 2,900 से ज्यादा रॉकेट फायर कर चुका है। जवाबी कार्रवाई में इजराइल डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक कर हमास के चीफ यहां सनवार के घर को तबाह कर दिया। मेक्सिको के इतिहास और मानव शास्त्र के राष्ट्रीय संस्थान ने 3.5 करोड़ वर्ष पुराने एक विशालकाय डायनासोर के अवशेषों पर हुई रिसर्च में दावा किया है कि अभी तक की सबसे नई नस्ल है जो कि शाकाहारी था। ब्रिटेन की कंपनी केयर एनर्जी ने सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया पर अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा दर्ज किया। उसने भारत सरकार से $1.2 अरब का बकाया वसूल करने के मकसद से कदम उठाया। स्विट्जरलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनके परिवार के स्विस बैंक अकाउंट की जानकारी भारत के साथ साझा करने का आदेश दिया है। राफेल नडाल ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को इटालियन ओपन के फाइनल मुकाबले में हराकर खिताब जीत लिया। उन्होंने 10वीं बार टूर्नामेंट के खिताब पर कब्जा किया। जापानी कंपनी राकुटेन ग्रुप के सीईओ हिरोशि मिकितानी ने कहा कि कोरोना के समय में टोक्यो ओलंपिक कराना सुसाइड मिशन है, तो वहीं जापान के पीएम योशिहिदे ने टूर्नामेंट का सफल होने का भरोसा दिलाया है। देश के सबसे बड़े भरोसेमंद ऑनलाइन स्टोर अमेज़न ने दुनिया भर में पहली बार मुफ्त विज्ञापन समर्थित वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा की है। अल्ट बालाजी ने अपनी सबसे सफल फ्रेंचाइजी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के तीसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। सीरीज में सिद्धार्थ शुक्ला अगस्त्य की भूमिका में नजर आएंगे।